कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है हमारे चैनल कर्मी क्रेजी में। सो फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपकी जैसे कि ड्यू डेट है जो कि वो नज़दीक आ चुकी है और उस टाइम पर आपको लेबर पे नहीं हो रहा है, तो फिर भी उस टाइम पर आपको क्या क्या है जो कि करना चाहिए, क्या तैयारी है जो कि वो करके रखनी चाहिए। आज इस छोटी सी टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जैसे कि हमारी जब ड्यू डेट नज़दीक आने वाली होती है, जैसे कि 9th month स्टार्ट हो जाता है, तो उस टाइम पर हमें थोड़े ऐसे व्यायाम हैं जो कि करने चाहिए जिससे हमारी जो डिलीवरी होती है वो आसानी से हो सके। जैसे कि कुकड़ू को बैठकर पोछा लगाना या फिर कुकड़ू को बैठकर झाड़ू लगाना, इस तरीके के काम हैं जो कि वो आप कर सकते हैं। और या फिर आप अपने जैसे कि खाने की जो चीज़ें होती हैं, जैसे हमारे जो बुज़ुर्ग होते हैं वो कहते हैं कि उस टाइम पर घी खाना चाहिए या फिर गुड़, मतलब गर्म चीज़ों का सेवन है जो कि वो करना चाहिए, तो आप वो भी है जो कि उस टाइम पर कर सकती हैं। इसी के साथ ही अगर फिर भी आपको जैसे कि लेबर पेन ना हो, तो आपको फिर क्या तैयारी करनी चाहिए? जैसे कि हमारा जो 37 week की प्रेगनेंसी होती है, तो उस टाइम पर हमें अपनी जैसे कि जो बैग होता है उसको प्रिपेयर कर लेना चाहिए। जैसे कि उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, हमारे पैड हो गए, बेबी के कपड़े हो गए, हमारे टॉवल हो गया, ब्रश हो गया, तो आप ये सभी है जो कि उसमें पैक करके रख सकते हैं। और इसी के साथ ही आप जैसे कि आपको किस तरीके से आपको हॉस्पिटल में जाना है इसके बारे में है जो कि पहले से ही कंफर्म करके रखें, और किसके साथ जाना है ये भी है जो कि कंफर्म करके रखें, और जो भी जैसे कि जो सामान होता है वो हमें जैसे हॉस्पिटल में लेके जाना चाहिए, इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगी, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं और जो कि हमें साथ में कैरी करनी चाहिए, और हमें हॉस्पिटल में उनकी बहुत ज़्यादा है जो कि वो ज़रूरत पड़ती है। छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, अक्सर हम उनको है जो कि भूल जाते हैं। इसके अलावा आप अपने जैसे कि आने वाले बेबी के लिए भी है जो कि कुछ तैयारी है जो कि वो पहले से ही सोच के रखिए, ताकि आपको एट ए टाइम कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आप जैसे कि जो भी आप, चाहे बेबी हो चाहे बॉय हो, जो भी हो, आप उसका नाम भी पहले से ही सोच के रख सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। सो फ्रेंड, ये अगर आप जैसे कि जो टिप्स है मैंने आपको बताया, अगर आप इनको फॉलो करोगे तो आपको जैसे कि प्रेगनेंसी डिलीवरी के टाइम पर है जो कि कोई भी प्रॉब्लम है जो कि वो नहीं आएगी। और जैसे कि आप अपने साथ है जैसे कि जिसके ऊपर आपको विश्वास है, या आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, जिससे अपने साथ वो अपने साथी को रखिए, उससे भी है जो कि हमारी जो डिलीवरी होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प है जो कि वो मिलती है। सो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।